तो दोस्तों कैसे आप सब, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कमाल के एक टॉपिक के बारे में। तो यार अगर आपके हाथ में अभी फोन है रियलमी तो जरूर से ये वीडियो पूरा देखना। अब इससे पहले आप अपने जब रियलमी का फोन परचेज किया होगा तो आप यूज करोगे कलर ओएस, उसके बाद आपको क्या मिला रियलमी यूआई 1.0, लेकिन अब जो आपको मिलने लगा है रियलमी यूआई 2.0। अब मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा आपका जो 1.0 से जो आप 2.0 की तरफ जाएंगे तो क्या क्या आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, क्या क्या ग्राफिक चेंज होगा और कैसा रहता है हमारा रियलमी 2.0। और साथ में आपको बता दूं मैं आपको दिखाने वाला हूं रियलमी नार्जो 20 प्रो पर, और इसमें इसी अपडेट के साथ में एंड्रॉइड 11 का जो सपोर्ट है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो काफी कमाल का है और आपके पास जो भी फोन है उसमें से लगभग 90% फोनों में आपको ये चीज देखने के मिलेगी धीरे धीरे। हो सकता है अभी आपके पास कुछ फोन ऐसे हैं जिनमें मिल गई है तो आपको पहले से मिल गई हो, लेकिन वीडियो और जो ये यूआई है काफी कमाल की है, आप जरूर से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सभी को बताइए भाई रियलमी 2.0 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यू वर्जन अवेलेबल एंड्रॉइड 11 रियलमी यूआई, और यहाँ पर मेरा अभी जो करंट वर्जन है 3.04, और ये जो फोन है रियलमी नार्जो 20 प्रो यहाँ पर है, और नीचे कुछ देख सकते हैं आप, नीचे लिखा गया है ए न्यू रियलमी यूआई वर्जन अवेलेबल, और इसको अपग्रेड कर सकते हैं हम, और हमें इसमें रियलमी यूआई 2.0 मिलेगा और साथ में एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलेगा। डाउनलोड मैंने कर लिया है और इसको सिर्फ अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। तो अभी फिलहाल इसको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको जो पासवर्ड है आपका वो डालना होगा, और मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर वेरीफाई होने लगी है फाइलें, और उसके बाद ये फ़ोन एक रिस्टार्ट लेगा तो उसके लिए हमें वेट कर लेना है। तो दोस्तों फोन देख सकते हैं आप सामने रियलमी नार्जो 20 प्रो, और अब तक की जो वीडियो देखी आपने वो शाम को मैं शूट कर रहा था तो लाइट थोड़ी डिम हो गई थी, ये लगभग मैंने एक वीक यूज़ करी है, और उसके बाद मैं अगला पार्ट जो वीडियो का शूट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके साथ हमें यानी कि रियलमी यू आई 2.0 के साथ और एंड्रॉइड 11 के साथ में क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है या कुछ क्या कुछ चेंजेस इन्होंने अपने रियलमी यू आई 2.0 में दिए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बबल की, तो यहाँ पर हमें बबल का जो फीचर है वो देखने के लिए मिल जाता है, हालांकि एंड्रॉइड 11 का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आया हुआ है यहाँ पर विकास का, और ये बबल के एक रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है जहाँ से मैं ये मैसेज पढ़ सकता हूँ बिना एप्लीकेशन ओपन किए। उसी तरीके से जब मेरी कॉल चलती थी तो पहले कॉलिंग स्क्रीन होती थी, लेकिन अब यही कॉल हमें यहाँ पर सेम तरीके से दिखेगी, और नीचे जो कॉलिंग टाइमिंग होगा वो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी करते थे इसको बंद। अब बात करते हैं दूसरे फीचर में जो कि इसमें ऐड किया गया है, तो उसके लिए चलते हैं सेटिंग में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक हमें देखने को मिला पर्सनलाइजेशन, तो इसको कर लेते हैं ओपन। यहाँ हमें काफ़ी सारी सेटिंग देखने मिलती हैं जैसे कि थीम, वॉलपेपर, आइकन स्टाइल, ऐप लेआउट, कलर और फॉन्ट, डिस्प्ले साइज और नोटिफिकेशन ड्रॉवर। तो एक्चुअली करते क्या क्या है, तो यहाँ से आप थीम ऐड कर सकते हैं इसमें, यहाँ से अपने आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, हालांकि आप होम स्क्रीन से ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देखने मिल जाता है, वो क्या है, वो है आपका नोटिफिकेशन ड्रॉवर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा नोटिफिकेशन ड्रॉवर, और यहाँ पर क्या है मैं इसके जो शेप है उसको चेंज कर सकता हूँ, जो मुझे शेप पसंद आ रही होगी उस शेप को यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। तो मैंने शेप यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो इधर देखता शेप चेंज हो गई है। उसी तरीके से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो कलर पर चलते हैं, और कलर में हमें कोई ग्रीन कलर ऊपर दिए गए हैं उनमें से किसी को पिक कर सकता है, केवल हमें सिंगल कलर चाहिए तो वो भी हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। सपोज मुझे ये कलर यहाँ पर चूज करना है तो अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं सारे जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। ये कलर सिर्फ आपको यहीं नहीं अंदर भी काफ़ी जगह चेंजेस देखने के मिलेंगे, बात करेंगे उसकी आगे। तो अभी हम कलर यही रहने देते हैं, और यहाँ पर ऐप लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं अपने रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप फॉन्ट डिस्प्ले वगैरह जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट ऐड कर सकते हैं इसके जो थीम सेक्शन है उसमें जाकर, और उसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें तीसरे चेंज के बारे में, तो थोड़ी देर यहाँ पर हम प्रेस करके और होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे वॉलपेपर आइकन लेआउट ये हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो अगर आप अभी रियलमी 1.0 पे तो ये चीज़ आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको डिफरेंट आइडेंटिफाई हो जाएगी कि क्या कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। मोर में चलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं जिनको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बात करें नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, तो वो भी हमें चेंज दिखने के लिए मिल जाता है काफ़ी कुछ, और यहाँ सेटिंग में जाते हैं तो हम यहाँ से डार्क सेटिंग जा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि
यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो और काफ़ी सारे जो आपके क्विक टॉगल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं आप ऊपर की तरफ स्वाइप करके। बात करें होम पेज के बारे में तो होम पेज पे भी आप छोटे मोटे चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि आइकन पैक को आप देख सकते हैं, ये चीज़ आप नीचे देख सकते हैं, या फिर जो हमारा फोल्डर बनता है आइकन्स का वो भी चेंजेस देखने के मिल जाते हैं। चलते हैं अंदर की तरफ तो ऐप ड्रॉवर में भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमें ऑल ऐप्स का जो ऑप्शन है वो दिख जाता है, मैनेज का दिख जाता है। मैनेज से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं अपने जो जो भी एप्लीकेशन है उनको यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं इंस्टॉल टाइम में मोस्ट यूजेस के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से आपके शॉर्ट हो जाएंगे और आप इनको इजी टू एक्सेस हो जाएगा कि आपको जो एप्लीकेशन है वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और उसी के साथ में यहाँ पर एक और फीचर ऐड किया गया है, वो क्या है, जैसे मैं ब्रेव को यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं सीधा शेयर पर कर सकता हूँ, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है मुझे और जो मेरी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ मैं अपने व्हाट्सएप जीमेल या जो भी एप्लीकेशन शेयरिंग फीचर को सपोर्ट करते हैं उनके साथ में, या फिर अपने नियर बाई शेयरिंग के साथ में, जो कि एंड्रॉइड का एक नया फीचर है जिससे हम डाटा ट्रांसफर करने के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं। बात करते हैं डार्क मोड के बारे में तो यहाँ पर डार्क मोड हमें तीन तरह का देखने मिलता है, जो कि हमें रियलमी यू आई 2.0 में सपोर्ट मिल जाता है तीन तरह का, तो वो दिखाने के लिए मैं ले जाना चाहता हूँ आपको सेटिंग में। सेटिंग में चलते हैं, वापस से चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, यहाँ डार्क थीम को अप्लाई कर लेते हैं और जैसे ही डार्क थीम अप्लाई होता है तो आपको नीचे एक नया ऑप्शन देखने में मिल जाता है, यहाँ पर डार्क मोड सेटिंग आपको देखने मिलती है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन तरह के डार्क मोड देखने मिलेंगे, इन्हेंस, मीडियम, जेंटल। तो ये जो इन्हेंस वाला ये एक्स्ट्रा डार्क मोड है, इसमें मैं मीडियम पे करता हूँ तो डार्कनेस वो हल्की सी कम हो गई है, ये आप जब देखेंगे अपने सामने तब आपको क्लियर देखने को मिल पाएगी। जेंटल पे करता हूँ तो ये थोड़ा सा कलर जो और ग्रे हो गया, यानी कि जो डार्कनेस है थोड़ी और कम हो गई है। तो यहाँ पर तीन तरह के हमें डार्क मोड मिल जाते हैं, साथ में नीचे की तरफ देखें तो आपको जो एडजस्ट आइकन टू डार्क मोड और रिड्यूस कंट्रास्ट इन लो लाइट, ये सब बाकी की सेटिंग देखने में मिल जाते हैं जिसको आप चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो अपने डार्क मोड को काफ़ी अपने आईज कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेटिंग में और सेटिंग में देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। तो जैसे हम सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे हमें इधर की साइड देखते हैं तो आइकन शेप जो होते हैं वो थोड़ी सी चेंजेस देखने मिल जाती है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अगर टॉगल्स के कलर्स यहाँ पर चेंज करता हूँ तो हमें अंदर भी काफ़ी जगह चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। साइड में आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में ब्लूटूथ और ये कनेक्टिविटी शेयरिंग, ये सभी आइकन जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आप कनेक्शन है शेयरिंग में चलते हैं और यहाँ चलते हैं अपने हॉटस्पॉट पे, तो हॉटस्पॉट पे जाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ एक नई चीज़ देखने मिल जाती है जहाँ पर मैं इसका जो पासवर्ड है शेयर कर सकता हूँ एज ए QR कोड। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर चल रही है, अब जो अपना जो कनेक्शन है उसको एज ए QR कोड में आप शेयरिंग कर सकते हैं। चलते हैं बैटरी में और बैटरी में देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। तो बैटरी में यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड जो कि हमें पहले भी मिल जाता, पावर सेविंग मोड ये भी हमें पहले देखने को मिल जाता था। मोर बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेज देखने मिलता है और स्क्रीन और बैटरी ऑप्टिमाइज काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन जो नई चीज़ है वो है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग। तो इसको हम ओपन करके अपनी जो नाइट में रात में जो चार्जिंग होती है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये एक नया फीचर ऐड किया गया है यहाँ पर बैटरी ऑप्शन में। चलते हैं प्राइवेसी में, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्राइवेसी में हम आ गए हैं, यहाँ पर परमिशन मैनेजर तो पहले से ही था, यहाँ पर ऐप लॉक आपको देखने को मिलता, बाहर की तरफ ही पहले अंदर देखने मिलता, हाई डेप्थ का जो ऑप्शन है वो भी अलग ही डाल दिया गया है, प्राइवेट सेफ जो कि हमें पहले भी देखने मिलते थे वो भी यहाँ पर ऐड कर दी गई है, सिस्टम क्लोनर यानी कि इससे आप अपना जो सिस्टम है उसको पूरा क्लोन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका किट डिस्प्ले है यानी कि ये जो भी चीज़ें लॉक और आपके क्लोन वगैरह की है वो सारी एक ही जगह डाल दी गई हैं, ये पहले हमें अलग अलग देखने मिलते थे, काफ़ी जगह हमें जाना होता था, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर की है। एक चेंजेस और देखने को मिलता है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे हम अपना वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और इसको यहाँ पर कम ज़्यादा करते हैं तो आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम बार है ये थोड़ा सा हमें ठीक देखने मिल जाता है, यानी कि थोड़ा मोटा दिखने के लिए मिल जाता है। पहले क्या था, पहले अगर हम इसको बढ़ाते तो ये मोटा नहीं होता था, सिर्फ इतने पे ही कम ज़्यादा हो जाता था, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है। साथ में बात करें साइड बार की तो यहाँ पर साइड बार में भी थोड़े चेंजेस देखने मिल जाते हैं, वो क्या है वो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ऐड करते हैं, साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिख गई टूल्स में और ऐप्स में और यहाँ पर सेटिंग्स में आप इसको अपना साइड बार को ट्रांसपेरेंट या ओपेक करने का जो फीचर है वो देखने मिल जाता है, जिससे कि आपका जो ट्रांसपेरेंट होने पर और कम मतलब बिल्कुल हल्का सा नजर आएगा, और इसमें ओपेक करता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा नजर आएगा, इसको भी डिफॉल्ट ही कर देते हैं, बाकी के और जो सेटिंग्स है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है। और एक और फीचर की यहाँ पर बात करें तो पहले हमें व्हाट्सएप जो उसको फ्लोट कर सकते थे हम यहाँ से उसको फ्लोटिंग विंडो यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब क्या है अगर मैं रिसेंट एप्लीकेशन बनाऊँ, पहले कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपनी रिसेंट और यहाँ पर क्रोम और एक और चीज़ ओपन कर लेते हैं, सपोज MX प्लेयर ओपन कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर इनको भी मैं फ्लोटिंग विंडो में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करना है और जो मेरा क्रोम है वो यहाँ पर
सॉरी एम एस प्लेयर फ्लोटिंग विंडो में आ गया। अब क्या है, मैं इस पर कोई भी मूवी या कोई भी वीडियो यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ, उसके साथ में कुछ ब्राउज करना चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, साथ में काम या फिर कोई अदर काम है वो भी अपना यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि एक साथ एक टाइम पर मैं दो काम कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर है। इसे सबसे पहले मैं सिर्फ दो तीन एप्लीकेशन पर यूज़ कर पाता था, लेकिन आप मोस्टली जो 90% ऐप्स हैं उन पर आप यूज़ कर सकते हैं अपना फ्लोटिंग विंडो फीचर। अब चलते हैं दोस्तों कैमरा की एप्लीकेशन में, यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस देखने के मिलते हैं। तो अगर मैं कैमरा में गया तो फिर से मैं एक चीज़ आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, वो है कलर। तो आप फोटो पे यहाँ पे कलर देख सकते हैं, यहाँ पे कलर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने अपना ऊपर टॉगल्स का कलर किया था वही कलर हमें यहाँ देखने मिलता है। और मैंने जब वो कलर चेंज किया था आपको बताया था काफ़ी जगह आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो चेंजेस हैं यहाँ तो नहीं है, आपका सेटिंग में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने चेंजेस देख सकते हैं, वीडियो इनकोडिंग वगैरह और बाकी की सेटिंग्स, कंपोजिशन, एडवांस सेटिंग में आप इसको कर सकते हैं, शूटिंग मेथड। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको माइनर से चेंजेस देखने मिलेंगे। और बाहर की यूआई में बात करें तो वो कुछ आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, आपको सेटिंग में चलता हूँ मैं, आपको उससे सेटिंग में जाना चाहता हूँ और एडवांस सेटिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है क्विक शेयर एंड एडिट। ये क्या करता है, ये आपको जाना है अपने कैमरा में और ओपन कर लेना है। और करता क्या है वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। तो सपोज आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे एक एरो दिखेगा, उससे आप इसको शेयर कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं यहीं पर। लेकिन ये सिर्फ आपके पहला जो फोटो क्लिक करेंगे उसके लिए होगा, अगर फोटो क्लिक करके रखते तो उस पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट आपने जो अपनी फोटो की क्लिक की है उसको शेयर भी कर सकते हैं या फिर एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म। और साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने आपको दिखाया रियलमी यूआई 2.0 के जो नए फीचर्स ऐड किए गए थे या कुछ क्या कुछ चेंजेस थे वो चीज़ें, अब मैं क्या करूँगा अगली वीडियो में एक चीज़ आपको दिखाऊंगा रियलमी यूआई 2.0 और साथ में रियलमी 1.0 दोनों में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने के मिले हैं, दोनों को वर्सेस करेंगे और एक और वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगा जो कि काफ़ी मजेदार रहेगी। अगर आप रियलमी का फोन यूज़ करते हैं तो जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये रियलमी की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर है और काफ़ी कुछ हमें चेंजेस देखने के लिए मिले हैं और एंड्रॉइड 11 तो साथ में दे ही दिया है। अब जैसा कि मैं आपको पता होगा प्राइमरी फोन मेरा रियलमी एक्स है, उसी के ऊपर आपको वीडियो देता हूँ। ये तो मेरे दोस्त का फोन है तो मैंने सोचा आपको इस बारे में बता दूँ। और जो रियलमी एक्स में भी आपको अपडेट मिलने वाली है जल्दी, ये मैं आपको बता दूँ इस महीने नहीं अप्रैल के महीने में ये आपको अपडेट मिल जाएगी। तो यार आप जल्दी से कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको Realme का ये अपडेट कैसा लगा, कैसे लगे इसके ग्राफिक, कैसे लगी नई सेटिंग्स और साथ में वीडियो कैसा लगा, इस बारे में भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस करिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूं आने वाली कोई नई अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।